कहाँ थे अभी तक? मैं आप कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। दीदी अभी तक मैं पिताजी के पास था। पिताजी के पास? हाँ दीदी। और दीदी आज मैं बहुत बड़ी खुशी लेकर आपके पास आया हूँ। बहुत? वो तभी तो आज तुम्हारे होठों से रस टपक रहा है। हाँ दीदी। जरा मैं भी तो जानू मेरे भैया की क्या खुशी है। दीदी अगर हमारी खुशी के बारे में तुम जानोगी तो खुशियों से झूम उठोगी। मैं तो अच्छा जरा मैं सुनू तो कौन सी खुशी है? सुनना चाहती हो? गौर फरमाइएगा, मैं सुनाता हूँ कि खुशी हमारी क्या है बहन। बतलाइए कि बहन पिता से पूछ कर आया हूँ तत्काल, और दोनों साथ में मिलकर खेलन चलूं शिकार। शिकार खेल? हाँ बहन, इसलिए कि बहना चलो ना बच्चे हिरन के हम पकड़ कर लाएंगे, और शाम होने से ही पहले वापस चले हम आएंगे। कि आज दो बच्चे हिरन के हम पकड़ के लाएंगे, और शाम होने से ही पहले वापस चले हम आएंगे। इसलिए कमर में चलो बांध अपने कतारी, कमर में चलो बांध अपने कतारी, कमर में चलो बांध तुम अपने कतारी, है खेत है ना। कितनी खुशी की बात दीदी। खुशी की बात? हाँ। ये कौन सी खुशी की बात है? तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। अच्छा मुझसे ज्यादा तुम खुश हो भाई? तुमसे ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो सोचा था कि जैसे ही मैं अपनी बहन को शिकार के बारे में बताऊंगा, आखेट के बारे में, हमारी बहन खुश होकर झूमने लगेगी भाई। ये मेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? अगर हमारी खुशी जानोगे ना। हाँ तो हमारी खुशी जानोगे तो पागल होकर नाचने लगोगे। पागल होकर मैं नाचने लगूंगा? अरे बहन जरा हम भी तो जाने भाई कि ऐसी कौन सी खुशी है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहती हैं और मैं पागल होकर नाचना शुरू कर दूं। कान को खोल के सुनिए भैया। मेरे कान नो, बड़ी शुभ घड़ी आए भैया हमारे, बड़ी शुभ घड़ी आए बड़ी शुभ घड़ी भैया हमारे।
सजा थाल रखा यस तुम्हारे सजा थाल। आज राखी का महापावन अनुज त्योहार है, आओ बैठो पास में पहले करूं सत्कार है। तो आज राखी का महापावन अनुज त्योहार है, आओ बैठो पास में पहले करूं सत्कार है। लगाऊं तिलक पहले मैं माथे तुम्हारे, सजा थाल रखा हवा यस तुम्हारे। अब बतलाइए किसकी खुशी ज्यादा किसकी खुशी कम है? सच कहा बहना आपने। दीदी आज राखी का दिन है ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ हमारे लिए इतना काम रहता ना। नहीं बहना ऐसी बात नहीं है, खैर इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बहना सुनो मेरी बात। क्या कि बात दो राखी बहना और मेरे हाथ में देर करने का मौका नहीं मुनहसर, और मेरा दिल रखा बहना बियाबान में, मेरा दिल रखा बहना बियाबान में, अभी तय करनी है हमको लंबी सफर, मेरा दिल रखा। आइए बैठिए मैं बांध। बांधती हूँ भैया, इतना आप जल्दी में क्यों हैं? रखिया बंधा लो भैया सावन आयो, रखिया बंधा लो भैया सावन आयो, जिया तुला खुबरिस हो, रखिया बंधा लो भैया
नथिया बांधा लो भैया सामान आयो दिया तू लाख बरिस हो। बहन रक्षाबंधन का त्योहार तो हम भाई और बहन बना लिए, तुमने राखी भी बांध दी, लेकिन बहन जल्दी चलो क्योंकि हमारा दिल वहीं पे रखा है बियाबान में। अब देर मत करो दीदी। तो चलिए मैं तो तैयार हूँ, राखी बांध दी आपके हाथ में। लेकिन भैया। लेकिन क्या? ओ समझ गया, मैं जानता हूँ कि राखी के मौके पर जब कोई बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी के बंधाई के बदले में उसका भाई उसे कुछ न कुछ जरूर देता है। समझ गया बहन तुम्हारी बात, मेरे पास मैं तुम्हें देता हूँ बहन। क्या बात है, आप इस सारी जेबें क्यों टटोल रही हैं? लगता है मेरे पास पैसे नहीं है क्या? अरे अभी तो रखा था मैंने किसी जेब में, मुझे लगता कहीं पॉकेट वॉकेट में तो नहीं रह गया। दीदी देखो कुछ ज्यादा पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जेब खर्च के लिए जो मैं पिताजी से निश्चित मांगता था उसमें से कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। कुछ पैसे? सिर्फ 10 रुपए। और 10 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन बहन 10 रुपए मैंने तुम्हें दिए इसमें से आप 5 रुपए वापस कीजिए मुझे। भैया आज रक्षाबंधन के दिन जानते हो मेरा कितना खर्चा हुआ है? कितना? पूरे 250 रुपए खर्च हुए हैं। 250 रुपए? दे रहे हो 10 रुपए और कहते 5 रुपए में तुम्हें दे दूं, 5 रुपए में रख लो। ए भैया ये सब तुम रख लो। रख लो? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे सामने आप रहिए, इतना मेरे लिए बहुत है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मेरे पैसे नहीं लेगी वापस। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी बहन चलो। आइए मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज ना लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल, जय मां भवानी। तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इस घाटी में रहते रहते हमें और तुम्हें कई वर्ष बीत गए हैं। कई वर्षों के बाद इस घाटी के कोने कोने पे आज हमारा और हमारे सारे ग्रह का नाम हो रहा है। अपने सरदार धारा जौहरी का आने का वक्त हो गया है, सब लोग तैनात हो जाओ ताकि उन्हें आने पे ना एहसास हो कि हमारे आदमी गफलत की नींद में सो रहे हैं। होशियार हो जाओ।
साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, आज जो तुम लोग देख रहे हो अपने सरदार धा जौहरी को, वो डाकू बना तो किस कारण से बना? मैं भी एक साधारण इंसान था, लेकिन जालिमों ने मुझे डाकू बनाने पर मजबूर कर दिया। कोई और नहीं, हमारे ही सगे चाचा जिनका नाम मनोरा सिंह था, उन्होंने हमारी पूरी खेती अपने नाम करवा लिया, पूरी खेती अपने नाम करवा लिया और हमारे पिताजी को जान से खत्म कर दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे घर में आग लगा दी, लगा दिया हमारे घर, और घर में हमारी एक बहन थी जिसका नाम था काजल, वो जलकर तड़प तड़प कर अपने दम को तोड़ दिया, जिसका इल्जाम ये तुम्हारे सरदार धाड़ा सिंह पर लगाया गया। हमें सजा हुई, 20 साल जेल कटा, और 20 साल जेल काटने के बाद हमने कसम खाया कि जब तक अपने दुश्मनों को, अरे इस जहां से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमने प्रतिज्ञा किया है, और हमारी बात को सुनो, आज से जो तुम्हारा डाकू सरदार धाड़ा जौहरी कह रहा है, सब लोग हमारी बातों पर अमल कर रहा है। सुनो तो सुनो साथियों गौर से, और जो मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से जो मेरा फरमान, और दीन दुखी को भूल कर मत करना हैरान, मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना, मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना, और धनियो और कंजूसों पे भूल कर जरा रहम ना खाना, तो बना मैं डाकू किसके खातिर आज पड़ा बतलाना, बना मैं डाकू किसके खातिर आज पड़ा बतलाना, और जालिम मनोरा सिंह से है बदला मुझे चुकाना, न पल की देर लगावो, हाँ न पल की देर लगावो, हाँ अपनी अपनी बंदूक उठावो, हाँ करो न क्षण भर देर, और दुश्मन मनोरा सिंह को मार करो जमीन पर ढेर, साथियों आज हमारे दिल में वही ज्वाला धधक रही है, और जब तक अपने दुश्मन को इस जहां से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों हरिया और हंसा, आप लोगों ने अभी अभी सुना अपने सरदार धाड़ा जौहरी के दिल में जो ज्वालामुखी जल रही है, वो ज्वालामुखी किसी गैरों ने नहीं बल्कि इन्हीं के खुद अपनों ने जलाया है। इन्हीं के चाचा ने धन दौलत की लालच में, इनके पिता की जमीन की लालच में आकर के इनके पिताजी को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया इनके पूरे परिवार को, और इन्हें भी घर से बेघर कर दिया। आज उन्हीं के बदले की आग में
सरदार जी जल रहे हैं, इनका आदेश है, इन्होंने कसम खाई है माँ भवानी के नाम से बंदूकें उठाई है कि मैं जब तक अपने दुश्मन को मिटा नहीं दूंगा मैं सुख की नींद नहीं सोऊंगा। हमारा तुम्हारा काम है इनके इशारों पर चलना। हुक्म कीजिए सरदार जी, क्या करना है और आज की रात कहाँ चलना है हम लोगों को? साथियों कहिए सरदार जी। हरिया हंसा और विक्रम सिंह कहिए सरदार जी। हमारा आदेश है इसी जंगल में जो रास्ता है, जिस रास्ते से मुसाफिर लोग गुजरते हैं वहीं पर चलो। रास्ते में छुप कर बैठते हैं, अगर कोई शख्स उधर से जाता है तो चारों तरफ से घेर लो और उसके धन को लूट लो। लूटे हुए धन को आधा हिस्सा आपस में दोनों बांट, तीनों लोग बांट लो और आधे हिस्से को गरीबों में दान कर दो। आओ चलते हैं, इसी वक्त रास्ते में छुप कर बैठते हैं। चलो साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। रामबली जी लमरदार, बियाबान जंगल पहुंच चुके हैं। हाँ जंगल तो है, आए सब चारों का देखा था, यह सार भलुओ बिंभेड़ा हुई है। लेकिन बात क्या है यार, है अभी तक वो नजर नहीं आ रही। हमका तो जान पे जानो पहले करी है। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ पति पता है तो वही है जरूर। कहो भाई 11 बजबो तो नहीं भा। अबे 15 मिनट बाकी है 11 बजे में। तब कहाँ से आ जाएंगे? है तब कहाँ फिर आ जाएंगे? हाँ बोरखा तहा बतावा 11 बजे का बदी बता है। और भाई नौने न है नौने पाउने मारा बोला वही अले बक चौधर कहा का रहा पौने निकल गया नौने। अब भाई पौने 11 बजा है। हाँ तो 15 मिनट चलो कौनो बीरवा पर चढ़ के बैठा जाए। बीरवा पर नहीं, नहीं तो कहाँ कहाँ बैठा जाए? खाड़ी में छुप कर। कोई की कहाँ कहाँ? अरे साले हरकत, झाड़ी में छुप कर। और तुमने क्या समझा? झाड़ी में छुप कर। हाँ और हम कहीं कहा था घुस कर। समझ सर बताए तो है समझ नहीं पावा तो आप जौन है एकदम जो भी हम कहते हैं साला उल्टा समझता है। नहीं समझ नहीं पावा आप कहो छुप कर, हम कहीं कहा तो घुस कर। वही हम कहा कोई के घुसा झाड़ी में छुप कर। झाड़ी 15 मिनट तक हम इंतजार करेंगे। वही झाड़ी तो समझ नहीं पावा। चलिए आओ मिर्जा। हाँ घुस के बैठा जाए छुप के छुप के छुप के छुप के छुपी। राजकुमारी चंद्रावती की शक्ल ये चबास। हम काटे वाला उजाल ले हैं, अब तुम निकिया वाला ले हो कि नहीं भाई? अब अरे हरवा निकिया वाला समझे मार लियो खूब जब तैयार घाय हो ना। जब कही थे हम काटे वाला तो मार कहे मार पीट हो ही न कहा आखिर जो आई तो हमका बता जो ने मुहूर्त काट पीट होगी काट पीट। हाँ साले बता रहे निकियाने की बात। वही हम मतलब निकियावे के नहीं ना मतलब साले। चला ठीक है जी। चलिए